गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद एकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1। इसके अंदर जो जैसे कि चैप्टर का नाम है परिमित संख्याएं रेशनल नंबर्स, तो उनको यहाँ पे जोड़ना या उनके ऊपर जो संक्रियाएं या जो उनके ऊपर जो एप्लीकेशन लगी है वो यहाँ पे आप सीखेंगे। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, आप उसमें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। और जो ये यहाँ पे करवाया क्वेश्चन नंबर 2 से, मैं आज आपको इसे सोल्व करवाने वाला हूँ और इसमें समझाने वाला हूँ अच्छे तरीके से कि आसान तरीका क्या होगा और माइनस के निशान की अवधारणा या माइनस का निशान एक्चुअली कहाँ लिया जाता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है कि परिमेय संख्याओं के बट्टे में अगर कोई भी डिजिट नहीं होती तो उसको क्या लगाया जा रहा है यहाँ पे, क्या नहीं। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दो में कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ एडिटिव इनवर्स, मतलब जो भी डिजिट दे रखी है उसमें आपको डिजिट तो यूं के यूं ही लिखने एज इट इज, लेकिन उसके साइन चेंज कर देने। जैसे कि हिंदी में किस तरीके से लिखना है और इंग्लिश में मैंने दोनों यहां लिखा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज 2/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, जो डिजिट यहां दे रखी है उसके अगर आगे साइन माइनस का नहीं है तो आप माइनस का साइन लगा देंगे और वो भी बीचों बीच लगाएंगे, बीचों बीच इस तरीके से। और अगर वहां दे रखे साइन, अगर एक साइन है तो उसे हटा देंगे का यू। तो आप यहां देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में कोई माइनस का साइन नहीं था तो वहां पर हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगाया। इसमें एक बार माइनस का साइन है तो हमने क्या करा, माइनस के साइन को हटा दिया। एडिटिव इनवर्स में समझ में आया, अगर माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है तो आप वहां माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे और जहां लगा हुआ है वहां से हटा देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एक बार लगाया तो हटाएंगे, अगर दो बार लगे हैं, दो साइन लगे माइनस के, तो आप उसमें से एक हटा देंगे, एक को लगा रहने देंगे। जैसे कि यहां पर अगले वाले क्वेश्चन में आया, दोनों जगह माइनस का साइन है तो आप लिखेंगे कुछ इस तरह से किस -6/5, बीचों बीच लगाएंगे साइन माइनस का 6/5 और दो साइन है, एक हटा देंगे उसमें से एक लगा रहने देंगे। 2/-9 है तो यहां से हम क्या करेंगे, माइनस का साइन हटा देंगे, 2/9 आंसर आ जाएगा इसका, 2/9। इस केस में भी एक बार माइनस का साइन है तो यहां भी एक बार हम अप्लाई करेंगे और इसका माइनस का साइन को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इजीली कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में हमें उसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, x इक्वल टू 11/15। और इस केस में हमें क्या सत्यापित करना है वो बता देते, अगर पढ़ देते क्वेश्चन को। फर्स्ट x = 11/15, सेकेंड x = -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस का x = x के इक्वल है। वेरीफाई दैट माइनस माइनस का x = x फॉर फर्स्ट x = 11/15, सेकेंड x = -13/17। तो जब हम इसकी वैल्यूज जो है, फर्स्ट की वैल्यू अगर हम इसके इस इक्वेशन में रखेंगे, LHS और RHS इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे हाँ ये सत्यापित है और ये वेरीफाइड है। इंग्लिश में पॉइंट सब देखते हैं किस तरीके से रखने हैं। माइनस माइनस का x = x, तो आप एक्स ये पे क्या रखेंगे, माइनस माइनस का निशान 11/15 = 11/15। पहले मैं आपको ये केस क्लियर कर दूं कि इन साइन के साथ क्या होता है, किस तरीके से यूज होते हैं, वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो वो प्लस का हो जाएगा, उस पर कोई साइन नहीं रहेगा। अगर बाहर माइनस है और अंदर प्लस है तो उस केस में ये माइनस का एक होगा, अगर बाहर प्लस है अंदर माइनस है तो वो माइनस का साइन रहेगा।
और बाहर भी प्लस है और अंदर भी प्लस है, तो वो प्लस का एक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से होने वाला है। अच्छा एक केस और बता देता हूं, अगर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर माइनस है और एक और डिजिट मान लो माइनस की वन आ जाए, माइनस का वन, तो भी आप देख सकते हैं यही केस बन रहा है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, उसको प्लस का वन लिखेंगे। तो देखते हैं इसके अंदर, तो बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, तो प्लस का हो जाएगा 11/15, प्लस का निशान हम अंडरस्टूड होता है, पता चल जाता है हमें। अगर उस पर लगा है तो भी, और नहीं लगा है तो भी, उसको प्लस का साइन कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है। सेकंड पॉइंट में क्या कहा, ये तो फर्स्ट है, सेकंड -13/17 एक्स बराबर -13/17 माइनस, माइनस का निशान एक्स बराबर एक्स, माइनस माइनस का साइन एक्स की जगह क्या लिखना है, माइनस का 13/17 एक्स में, माइनस का 13/17। अब आप देखिए इस माइनस से ये माइनस खत्म, ये वाला माइनस बचेगा, इससे ये खत्म, 13/17 बराबर -13/17। अब आप देख सकते हैं ये वाला जो केस है कुछ इस वाले की तरह है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो हम कहेंगे हाँ LHS=RHS, इति सिद्धम सत्यापित किया। LHS=RHS चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर चार निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये बोतल अभी सीधी है, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए ऐसे, तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मीन्स व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो आप समझ गए होंगे कि इनको लिखना कैसे है, पहले आपको बता देता हूं कुछ पॉइंट्स हैं लिख के। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट -13 का, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर जब हम करेंगे तो तरीका ये कहता है जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे आप एक लगाएं। अब एक लगा के इसको पलट कर लिखो, 1/13 -1/13। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं इसमें माइनस है, माइनस साइन तो वहीं का वहीं रहेगा, बस डिजिट को पलट देंगे, 19/13 19/13। यहां 1/5 है, 1/5 को पलट देंगे, 5/1 कहो या सिर्फ 5। अब ये केस आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देता हूं, माइनस का 5/8 गुणा मिल माइनस का 3/7, 3×5=15, माइनस से माइनस कैंसिल, 8×7=56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 56/15। नेक्स्ट वाले में देखिए माइनस का 1 × -2/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2×1=2/5। जब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो 5/2 आंसर आएगा, कितना आएगा 5/2। अच्छा नीचे एक के नीचे कुछ नहीं है, एक के नीचे एक लगाएं, वापस उसे करेंगे तो वापस वही 1/1 ही आ जाएगा, कहने का मतलब
जो सेम है माइनस एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माइनस एक ही रहेगा। ये था क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच में उसने पूछा प्रॉपर्टीज, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। इस वाले में कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है? नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ अंडर मल्टीप्लीकेशन ईच यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 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 तीन क्वेश्चन है, तीनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हुई है वो मैं आपको यहां बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर पांच में फर्स्ट पॉइंट है, ये इधर भी मल्टीप्लाई एक से हुई है, इधर भी मल्टीप्लाई एक से हुई है, इसलिए हम कहेंगे वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, एक गुणात्मक तत्समक है। सेकंड वाले पार्ट में डिजिट जो यहां लिखी हुई थी सेम उधर भी लिखी है, लेकिन उनके जो क्रम है वो बदल दिए गए हैं। ये बाद में लिखी हुई है और ये पहले, यहां पे ये पहले लिख दिया इसको और इसको बाद में, तो इसको कहेंगे कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। तीसरे वाले में जो यहां लिखा हुआ है सेम डिजिट यहां ऊपर नीचे लिखी है लेकिन पलट कर लिखी है, हम कहेंगे व्युत्क्रम कर दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दिया या गुणात्मक प्रतिलोम कर दिया। अब इसकी वजह से जो आंसर एक आया है इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इस प्रॉपर्टी जो इसमें अप्लाई हुई है, या गुणात्मक प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर छह में कहा 6/13 को माइनस 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, मल्टीप्लाई 6/13 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। मतलब सबसे पहले हमें -7/16 का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 इज, सबसे पहले हमें 7/16 का रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा, तब जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हमें किससे करनी पड़ेगी, 6/13 से, तब आंसर हमारा वह मिलेगा। जरा देखते हैं कैसे, 7/16 का व्युत्क्रम होगा 16/7, साइन बीच में 16/7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 को 7/13 के व्युत्क्रम से, मतलब 16 -16/7 से गुणा कीजिए, आंसर आएगा 16×96 13×7=91। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में 1/3 × 6×4/3 इक्वल टू 1/3 × 6×4/3। क्वेश्चन में कहा कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 × 6×4/3 को 1/3 × 6×4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू कंप्यूट दिस एज दिस। तो हमें पता है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी या सहचर्यता का गुण होता है जिसकी वजह से हम इसको इस तरीके से लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्यों अथवा क्यों नहीं? इज 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 सही 1/8 वाई और वाई नॉट। तो देखते कैसे, क्वेश्चन नंबर 8, -1 सही 1/8, तो तरीका कहता है 8×8 और 1×9, माइनस का 9/8, -9/8 का व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल ऑफ -9/8 इज क्या होगा, -8/9। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पे सिर्फ 8/9 है 8/9, और यहाँ जो हमारा आंसर आया माइनस का 8/9 है, तो हम कहेंगे नहीं, नो नो, इट इज नॉट इक्वल टू 8/9, नहीं यह 8/9 के बराबर नहीं है। उन्हें बता दे क्योंकि इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नौ में कहा 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3 इज 0.3 वाई और वाई नॉट। देखते हैं 3 सही 1/3, 3 3 9 और 1 10/3, 10/3 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल ऑफ 10/3 इज 3/10। तो मतलब 1 0 है 10 में, तो 0.3 इसका आंसर आ जाएगा 0.3, तो हम कहेंगे हां, लिखेंगे हां, यस। तो आप देख सकते हो इसका आंसर 0.3 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, लिखिए ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो वो संख्या होगी शून्य, इंग्लिश में कहें तो 0। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, तो जो अपने रेसिप्रोकल के समान होगा वो 1 और -1, ये 2 डिजिट हो सकती हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होंगी, क्योंकि आप देखो इनका रेसिप्रोकल कहेंगे यही आंसर आ जाएगा। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ही ऋणात्मक के समान होगी उसका आंसर होगा 1, वही माइनस का। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव माइनस का 1, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, तो लिखेंगे नहीं है, नो रेसिप्रोकल। द नंबर्स दिस एंड दिस आर ऑन देयर रेसिप्रोकल 1 and -1, 1 and -1, संख्या 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम -1/5, -1/x का व्युत्क्रम x होगा, क्या होगा x। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, अगर कोई परिमेय संख्या आप ले रहे हो तो क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर किसी तरह पर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव धनात्मक, तो ये थे आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन
जिन्हें हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व किया। और जो पहला क्वेश्चन है उसकी वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले।